जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेंस किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या हैं, कैसे इसके बारे में समझते हैं, एक एक टॉपिक को आइए ध्यान से समझते हैं। टेंस के जो है तीन प्रकार हैं। टेंस को हिंदी में समय या काल कहते हैं और ये तीन प्रकार का है। पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। पास्ट को भूतकाल कहेंगे हम लोग, पास्ट टेंस, टेंस यानी काल, तो पास्ट टेंस तो भूतकाल कहेंगे इसे हम लोग। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहेंगे इसे हम लोग। और जो फ्यूचर टेंस कह रहे हैं हम लोग, इसे भविष्यत काल कहेंगे। तो कैसे समझ में आएगा कि टेंस जो है वो किसकी बात कर रहा है? तो जब टेंस में हम बीते हुए चीजों के बारे में बात करें, यानी कि जो पहले बीत चुका है, तो वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप पहले पढ़ते थे, तो मैं बात कर रहा हूं कि आप पहले पढ़ते थे। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बात मैं कह रहा हूं वह बीत चुका है, आप पहले पढ़ते थे, तो यह पास्ट टेंस का भाग होगा। यदि मैं यही बात ऐसे कहूं कि आप अभी पढ़ते हैं, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी मौजूदा स्थिति की बात हो रही है कि आप अभी पढ़ते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। और यदि इसी बात को और मैं बदल के ऐसे कहूं कि आप आने वाले समय में एक बड़े अधिकारी बनेंगे, तो आने वाले समय में यानी कि आगे जो समय आने वाला है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि आने वाले समय में आप एक बड़े अधिकारी बनेंगे। तो ये आने वाले समय की बात हो रही है कि उस समय में क्या होगा। तो ये जो तीन शब्द हम लोग बोल रहे हैं कि आप पहले पढ़ते थे, आप अभी पढ़ते हैं, आप आगे चलकर क्या एक बड़े अधिकारी बनेंगे, तो पहला जो हमारा वाक्य है वह पास्ट टेंस का है, दूसरा वाला वाक्य जो है वह प्रेजेंट टेंस का है, और तीसरा वाला वाक्य जो है फ्यूचर टेंस का है, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत्कालीन है, हिंदी में क्रमशः कह सकते हैं। तो टेंस के तीन प्रकार कौन कौन? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में कहें तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत्काल। अब एक और बात है, इनके भी प्रकार हैं। किनके प्रकार? अभी जो मैंने तीन प्रकार बोला ना, इनके भी प्रकार समझना है। तो अभी केवल मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलिए। मैं पहले आपको समझा रहा हूं पास्ट टेंस के जो प्रकार हैं उसको जरा समझते हैं। तो देखिए, पास्ट टेंस के चार प्रकार क्या क्या? पास्ट इनडेफिनिट टेंस, क्या कहा मैंने? पास्ट इनडेफिनिट टेंस पहला प्रकार, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। और हिंदी में बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो इंडिफिनिट का मतलब है अनिश्चित, टेंस मींस काल और पास्ट मींस जो बीत चुका है, यानी कि अनिश्चित भूतकाल। अब इसमें क्या होगा, कैसे समझेंगे अनिश्चित भूतकाल से मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको जो पहला वाक्य बोला था कि आप पहले पढ़ते थे या आप पढ़ते थे, तो यदि मैं कहूं कि आप पढ़ते थे तो इससे क्या समझ में आ रहा है? आप पढ़ते थे, तो इस चीज को समझिए, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझिए। आप शब्द में मैं जो बोल रहा हूं कि आप पहले या आप पढ़ते थे, तो आप पढ़ते थे में क्या ये जो क्रिया हम कह रहे हैं पढ़ते थे, इससे क्लियर हो रहा है कि जिस समय में हम बात कर रहे हैं कि आप पहले पढ़ते थे या आप पढ़ते थे, तो भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो उस समय में आपकी पढ़ाई जारी थी या फिर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हम लोगों ने वाक्य लिया आप पहले पढ़ते थे या आप पढ़ते थे, ये दोनों ही जो वाक्य बोल रहे हैं हम लोग, बात तो भूतकाल की है, बीत चुका है, लेकिन जिस समय में, जिस बीते हुए समय की बात कर रहे हैं
उस समय में आपकी पढ़ाई जारी थी या फिर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसके बारे में क्या कंफर्म यानी कि निश्चित रूप से कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है वाक्य से? तो इससे निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आप पढ़ते थे यानी कि आपकी पढ़ाई जारी थी उस समय या फिर पूरी हो चुकी थी। तो यहां अनिश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इसी वजह से इसे इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और किसका इंडेफिनिट टेंस है? तो ये बीते हुए समय का इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का भाग है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से कह लेंगे कि ये दोनों जो वाक्य हैं यह पास्ट इंडेफिनिट के हैं। पहचान सिंपल है, ता थे ती थी ते थे, ऐसे करके नॉर्मली वाक्य आएंगे। दूसरा जो है पास्ट में ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार या सतत, और पास्ट मीन्स जो भूतकाल हो, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वाक्य से इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मैं यदि कहूं आपसे आप पढ़ रहे थे, मतलब ये है कि मैं किसी एक ऐसे समय की बात कर रहा हूं जिस समय आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब उस समय लगातार पढ़ते जा रहे थे। तो कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, तो रहे थे से क्या भाव आ रहा है? रहे थे से भाव ये आ रहा है कि उस समय आप ये काम जारी रखे हुए थे, तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, यानी कि जो काम अभी लगातार जारी था, पहले के समय में जो काम आप जारी रखे हुए थे उसे किस में रख लेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख लेंगे। इसी तरह से और वाक्य चाहे तो आप कह सकते हैं, वह खाना खा रही थी, वह स्कूल जा रही थी, वह साइकिल चला रहा था, वह साइकिल चला रहा था, वह गीत गा रहा था, मोहन पियानो बजा रहा था, मोहन गिटार बजा रहा था। ये जितने भी वाक्य हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसी तरह से परफेक्ट जब पढ़ेंगे आप टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो परफेक्ट का मतलब है पूर्ण। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है हिंदी में हम लोग पूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। मतलब क्या है? जो पूरा हो चुका हो। जैसे यदि हम लोग कहें सीता खाना बना चुकी थी, तो इसमें जो खाना बनाने की क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और ये भूतकाल की बात कर रहे हैं, बना चुकी थी, तो फिर ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। मोहन अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, रीता गाना गा चुकी थी, मोहित बाजार जा चुका था। ये जितने भी वाक्य हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। चौथा प्रकार आता है पास्ट टेंस का ही, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग अनिश्चित पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब बात समझते हैं अनिश्चित पूर्ण अपूर्ण भूतकाल से मतलब क्या है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि सीता सुबह 7 बजे से खाना पका रही थी, सीता सुबह 7:30 बजे से भोजन पका रही थी, तो देखिए हम लोग जो सीता के बारे में कह रहे हैं वो तो पास्ट की बात कर रहे हैं, थी जब शब्द कह रहे हैं तो, और एक समय देखिए तो इसमें 7:30 कह रहे हैं, 7:30 बजे से, 7:30 बजे से समय दिया गया है, यानी कि किसी समय में कार्य को चालू किया गया था और वो अभी भी जारी है या पूर्ण हो चुका है। पका रही थी कह रहे हैं, तो एक समय दिया जा रहा है कि 7:30 बजे से, और पका रही थी यानी कुल मिला के एक समय दिया गया हो कि कितने बजे से कार्य शुरू किया गया है या कब से कार्य शुरू किया गया है। रही थी
रहे थे, रहा था। इस प्रकार के शब्द आए हिंदी में, तो कहेंगे हम लोग कि वह जो वाक्य है वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। बिल्कुल इसी तरह से जो हम लोगों ने पास्ट टेंस में पढ़ा कि इसके पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका आप वाक्य लेना चाहे, उदाहरण लेना चाहे, तो मोहन आम खाता है, रोहित स्कूल जाता है, सीता पढ़ती है, गीता नाचती है, लड़के खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य बन रहे हैं ना, ता है, ती है, ते है वाले, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं इसको मैंने आपको पास्ट वाले में समझाया, बिल्कुल सेम कंडीशन है। जैसे हम कह रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, तो बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि मैं ये जो पढ़ाने वाली क्रिया है अभी कर रहा हूं, यानी कि अभी आपको पढ़ा रहा हूं, या पहले पढ़ा चुका हूं वाक्य में कह रहे हैं, तो वाक्य से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, फिर इसको इंडेफिनिट कहेंगे, अनिश्चित कहेंगे। और प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। और इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअस लगातार या सतत, यानी कि सतत वर्तमान काल। अब किसको कहते हैं, तो इसके लिए वाक्य आप लेना चाहें तो मोहन नाच रहा है, वह दिल्ली जा रही है, वे दौड़ने जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, वे पढ़कर आ रहे हैं, रामू हल चला रहा है, रामू खेत जोत रहा है, मनीष पढ़ रहा है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं वाले वाक्य, ये सारे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो प्रेजेंट टेंस है उसका तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। और उदाहरण लेना चाहे तो हिंदी में वाक्य हम लोग ले सकते हैं, वह पढ़ चुका है, वह लिख चुकी है, वह सो चुकी है, वह गीत गा चुकी है, मोहन लिख चुका है, वह दिल्ली जा चुका है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य आ रहे हैं ये सारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, कार्य पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। चौथा जो प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक समय दिया रहेगा और उस समय से कहा जाके पढ़ रहा है, रही है करके मतलब क्या है। जैसे एक वाक्य, जैसे इसमें वाक्य लेते हैं हम, मोहन सुबह से पढ़ रहा है, मोहित रविवार से बीमार है, प्रधानाध्यापक 4 दिनों से नहीं आ रहे हैं, हमारा स्कूल 1 हफ्ते से बंद है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं ये सारे जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसी तरह से यदि हम लोग फ्यूचर टेंस में बात करें तो फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैं खाऊंगा, आप पढ़ोगे, वह लिखेगी, वे जाएंगे,
उसके पापा आएंगे, इस प्रकार के जितने भी वाक्य बनेंगे सारे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। दूसरा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके लिए हम वाक्य लेना चाहें तो जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह लिख रही होगी, मोहित स्कूल जा रहा होगा, रोहन भोजन कर रहा होगा, तुम दिल्ली से आ रहे होगे, हम हॉकी खेल रहे होंगे, इस प्रकार के जितने वाक्य हैं ये सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल, कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सतत भविष्यकाल कह सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहें तो इसके लिए जैसे वाक्य लेना चाहें हम लोग तो लड़के स्कूल जा चुके होंगे, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, आप दिल्ली पहुंच चुके होंगे, माया भोजन पका चुकी होगी, इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं ये सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, जिसे हिंदी में पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। चौथा प्रकार जो है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी में क्या है, अनिश्चित पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। उदाहरण जैसे वाक्य अगर लेना चाहे तो सीता 7 बजे से नाच रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मोहन सुबह से बांसुरी बजा रहा होगा, मीना सोमवार से पढ़ने जा रही होगी, इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे ये सब जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो हम लोगों को पढ़ना है टेंस, और टेंस जिसको काल या समय कहते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4-4 प्रकार हैं, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट के लिए 4 कहना है तो सब में प्रेजेंट जोड़ के बोल दीजिए, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही पास्ट के लिए कहना है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए कहना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से टेंस के 3 प्रकार और 3 जो प्रकार हैं इनमें से प्रत्येक के 4-4 प्रकार जिनको एक एक करके हमें पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग बस इसका जो प्रोफार्मा है, जो प्रारूप है कि कैसे क्या पढ़ना है इसके बारे में समझे। आगे वीडियो में हम लोग इसके बारे में एक एक करके टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे और पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको जो टेंस के बारे में मैंने आपको बताया है ये चीज़ बढ़िया से समझ में आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।